कोई भी महिला इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जो अपमान ढुल्लू महतो जी ने महिलाओं के साथ किया है। एक दो इंसिडेंट्स नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। अगर रिकाउंटिंग होता तो शायद ढुल्लू महतो जी नहीं जीत सकते थे ये चुनाव। तो आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग को भी पता होगा कि ये कैसे जीता गया, कैसे क्या हुआ। ये हमारा अंतिम चुनाव हो और अगली बार हमें वोट करने का भी अधिकार ना हो। मशीन आया है नया, वॉशिंग मशीन, जिनमें जाते ही अचानक से आप शुद्ध हो जाते हैं, पर ढुल्लू महतो जी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। सब लोगों का वोट नोटा को जाने वाला था, पर आपको देखकर, आपको सुनकर हमारा उत्साह बढ़ गया और हमें लगा कि आप जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। धनबाद से कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अनुपमा सिंह को उतारा है और 2 दिन पूर्व वो यहाँ पे आई थी और लोगों से रूबरू भी हुई थी, लोगों का आशीर्वाद भी लिया था। आज फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वो रूबरू हुई है और कैसे कार्य करने हैं, किस प्रकार से आगे तय करने हैं, दिशा निर्देश उसको लेकर रणनीति बनाई गई है और ये मंत्र दिया गया है कि किसी हाल में धनबाद से लोकसभा की सीट को विजय हासिल करेंगे। यहाँ एक और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पहली बार कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को उम्मीदवार के रूप में लाया है, ऐसे में कई लोगों की उम्मीद जग गई है। हम पूरे मामले पे जुड़ते हैं अनुपमा सिंह से और जानते हैं उनसे कि महिला प्रत्याशी के रूप में वो आई है, आने के बाद किस प्रकार की विचारधारा पे वो काम करेगी। पहले तो अनुपमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पहली बार महिला प्रत्याशी को उतारी है, ऐसे में कांटे के टक्कर होने की संभावना है, चूंकि जो वर्तमान प्रत्याशी भाजपा से है वो भी किसी से कम नहीं है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? एक प्रत्याशी की तरह देख रही हूँ और जैसा कि आपको भी पता है कि शायद कांग्रेस ने मुझे चुना ही है ताकि मैं ढुल्लू महतो जी के खिलाफ में लड़ सकूं, ठीक है। और जैसा कि हमारी महिलाएं हमारी आधा से ज़्यादा वोटर्स जो धनबाद की हैं वो महिलाएं हैं, और वो मुझे पूरा उम्मीद है कि कोई भी महिला इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी जो अपमान ढुल्लू महतो जी ने महिलाओं के साथ किया है। एक दो इंसिडेंट्स नहीं है, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो उन्होंने करने का काम किया है। तो मुझे लगता है हमारी धनबाद लोकसभा की एक एक महिला के दिल में ये बात बैठेगी और मेरी महिलाएं उन्हें वोट देने का काम बिल्कुल नहीं करेंगी। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ, अगर मैं नहीं भी होती तो मैं आपसे अनुरोध करती कि उनको वोट बिल्कुल नहीं दें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे वोट दें, लेकिन एक बार दिल पर हाथ रख के ज़रूर सोचें कि मैं किसको वोट करने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा भविष्य उनके हाथ में जाएगा। अगर वो जीतते हैं तो हमारा भविष्य, हमारी बच्चियों का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य उनके हाथ में जाएगा। लेकिन 3 बार से वो लगातार जीतते आए हैं अपने क्षेत्र में और जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य किए हैं, उनका कहना है चाहे भाजपा के लोगों का कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी मुकदमे दर्ज हैं वो ऐसे ही है, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं तो कार्य तो करेंगे ही, और जो भी वो बेकार का आरोप लगे हुए हैं। 2019 का जब चुनाव गिनती हो रही थी तो मैं ऑनलाइन मैं देख ही रही थी उनको, ठीक है। तो उसमें मैंने ये देखा कि पहले ढुल्लू महतो जी पीछे 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 चले जा रहे थे और अचानक से 800 वोट से जीत दिखा दिया। तो ये मेरा मानना है, ये जलेश्वर महतो जी भी शायद क्लेम किए थे लेकिन कुछ उस टाइम नहीं हो पाया था, कि अगर रिकाउंटिंग होता तो शायद ढुल्लू महतो जी नहीं जीत सकते थे ये चुनाव। तो आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग को भी पता होगा कि ये कैसे जीता गया, कैसे क्या हुआ। अगर रिकाउंटिंग होता तो शायद जलेश्वर महतो जी आज विधायक भी नहीं होते। भाजपा का जनाधार है और कांग्रेस कई दिनों से सत्ता में नहीं आई लोकसभा की, अगर हम बात करें धनबाद में, ऐसे में आप कहाँ किस प्रकार की चुनौतियाँ देख रहे हैं? जब भाजपा भी आई तो कांग्रेस का जनाधार था और उस टाइम भाजपा भी कई सालों से सत्ता में नहीं थी और अचानक से भाजपा आई। तो मेरा ये मानना है इस बार हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि हम सब ये समझ गए हैं कि ये तानाशाही गवर्नमेंट अब हम लोगों को नहीं चाहिए। मैं जनता से ये अनुरोध करूंगी कि इस दिखावे में, झलासा में नहीं आए कि ये हमारा चुनाव जो है, हो सकता है ये हमारा अंतिम चुनाव हो और अगली बार हमें वोट करने का भी अधिकार ना हो, क्योंकि जिस तरह से तानाशाही की जा रही है, हमारे गठबंधन के नेताओं को, गठबंधन के बड़े नेताओं को, जैसे JMM के हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन को, जिनको सिर्फ 8 एकड़ ज़मीन के लिए, जो कि शायद उनका ऐसा वो हुआ भी नहीं है, ये आरोप अभी तक उन पर सिद्ध भी नहीं हुआ है, वैसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर को मैंने पहली बार अरेस्ट करते हुए देखा है।
तो ये उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, ये उन्होंने कोशिश की कि कैसे इंडिया गठबंधन को धराशाही किया जाए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ये उनके खिलाफ लड़े और वो चाहते तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि एक वॉशिंग मशीन आया है, नया वॉशिंग मशीन जिनमें जाते ही अचानक से आप शुद्ध हो जाते हैं, पर ढुल्लू महतो जी शुद्ध नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ धनबाद की जनता के सामने वो आए हैं। तो आपकी लड़ाई ढुल्लू महतो से और है, मैं एक और बोलने जा रही हूँ उसके बाद भी, और उसके बाद फिर हमारे केजरीवाल जी उनको भी अरेस्ट करने का उन्होंने काम किया ताकि आप पार्टी उनको दिखा कि वो दिल्ली में तो फिर हमारा जीतना बहुत मुश्किल है, झारखंड में हमारा जीतना बहुत मुश्किल है, तो कैसे जीता जाए। तो चलो हेमंत सोरेन जी को जेल भेजते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजते हैं, आज उनकी पत्नियां, आज हेमंत सोरेन जी की पत्नी, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, ना चाहते हुए भी उनको सामने आना पड़ा, अपने पति के लिए, अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ना पड़ा। तो ये हमारे, हमें अब समझना होगा कि ऐसा स्थिति अभी तो नेताओं के साथ हो रहा है, शायद हम आम जनता के साथ भी हो तो ये स्थिति पैदा ना करें। इसीलिए मेरा बहुत बहुत अनुरोध है कि एक बार कांग्रेस को सत्ता में लाकर देखें, और कांग्रेस मुझे लगता है कि बहुत अच्छा करने का काम करेगी, कम से कम ये तानाशाही गवर्नमेंट को हटाने का काम करेगी और अपने जनता के साथ जुड़ने का काम। तो आपका जो लड़ाई है वो भाजपा प्रत्याशी से है या व्यवस्थाओं से है? मेरा भाजपा प्रत्याशी से भी है और व्यवस्थाओं से भी है। जैसा कि मेरा मानना है कि धनबाद एक बहुत बड़ा शहर है, धनबाद लोकसभा एक बहुत बड़ा लोकसभा है, इसका बहुत नाम है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी के आने के बाद 10 साल में इसका कुछ सुंदरीकरण हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे ससुर जी ने एम्स को प्रपोज़ किया, एयरपोर्ट को प्रपोज़ किया 10 साल पहले, फिर 10 साल उसी टाइम तुरंत बीजेपी की सरकार आ गई, तो जो कि मुमकिन नहीं हो पाया था, तो वो भी मोदी गवर्नमेंट ने पूरा करने की कोशिश नहीं की, कभी उन्होंने नहीं चाहा कि हाँ इसको किया जाए। आज लोगों को कितनी दिक्कत होती है, और आप बोल रहे हैं कि बहुत लोगों को कितनी दिक्कत, आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसा कि आपके भी बोलने से मुझे लग रहा है। तो ये बताइए कि रेलवे में पहले जाते थे हम लोग तो पता भी नहीं चलता था, थोड़े से टिकट में हम लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते थे, आज रेलवे का भी टिकट शायद फ्लाइट से भी ज़्यादा है, फ्लाइट ज़्यादा ईजी पड़ता है हम लोगों को और रेलवे ज़्यादा महंगा पड़ता है, कोई 12 घंटे का ट्रैवल से अच्छा कि 1-1.5 घंटे का ट्रैवल लेगा। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को अब थोड़ा सा ज़मीनी लोगों से भी जुड़ना चाहिए, समझना चाहिए, और वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि कांग्रेस को एक बार मौका दे और हमें जिताने की। एक सवाल और रहेगा, चूंकि बेरमो विधानसभा क्षेत्र से है, बहुत सारे समर्थक आपके ऐसे हैं जो वोटर नहीं है, ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण होगा धनबाद साहब लोकसभा क्षेत्र आपके लिए? हाँ, हो सकता था, लेकिन जिस दिन मैं यहाँ उतरी हूँ उस दिन से मुझे इतना उत्साह दिख रहा है लोगों में, लोग इतने खुश हैं। मेरे पास बहुत सारे व्यवसायी लोग, हमारे डॉक्टर्स जो हमारी जान बचाते हैं, हमारे बच्चों की जान बचाते हैं, हमारे अभिभावकों की जान बचाते हैं, उनके बिना शायद हमारी ज़िंदगी एक थोड़ी सी रह जाएगी, क्योंकि अगर डॉक्टर्स नहीं रहेंगे उनके लिए, वो लोग इतने हताश थे उनका नाम सुनकर, फिर उन लोगों ने जब 1-2 इंटरव्यू मेरा देखा तो तब उन्होंने मुझे संपर्क करने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि मेरा, हम सब लोगों का वोट नोटा को जाने वाला था, पर आपको देखकर, आपको सुनकर हमारा उत्साह बढ़ गया और हमें लगा कि आप जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे। आप महिला, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप महिला है, हाउसवाइफ से निकलकर अभी सफर तय कर रही हैं, ऐसे में कितना कठिन रहेगा ये सफर आपके लिए? कठिन होना चाहिए था, डे वन से ही होना चाहिए था, पर ऐसा कुछ मुझे लग ही नहीं रहा है। लग रहा है कि मैं शायद 18 साल से यही काम कर रही हूँ, मुझे थोड़ा भी नयापन कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, और उत्साह देखकर और जोश आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ काम करने की इच्छा जग रही है मेरे युवाओं के लिए, मेरे बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों की फ्यूचर के लिए हम लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि आज धनबाद इतना बड़ा शहर होने के बाद भी लोग धनबाद को छोड़कर कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, जगह जगह जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही निराशाजनक बात है, क्योंकि इतनी कंपनियां हैं हमारे यहाँ, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा इज्जत था धनबाद का, लेकिन अब लगता है कि शायद कुछ नहीं बचा है, उसको मैं बनाने की कोशिश करूँगी।
लोगों को जोड़ने की कोशिश करूंगी ताकि लोग धनबाद छोड़कर ना जाएं। महिलाओं के लिए किस प्रकार का कारगर कदम उठाने का प्लान है आपका? मैं महिलाओं के लिए बहुत बहुत उत्साहित हूँ कि मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कांग्रेस को लाने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं शुरू से देख रही हूँ, मैं भी एक जैसा कि आप बोल रहे हैं कि गृहिणी हूँ, तो मुझे पता है कि महंगाई किस चरम सीमा पर आ गई है। मैं और मेरी माता जी, मेरी सासू माँ, हम लोग दोनों बैठते हैं, एक घंटा अगर बात करते हैं तो एक घंटे में 40-45 मिनट हमारी सिर्फ महंगाई पे ही बात होती है। तो आप ये, मैं नहीं, ये हर घर में हर महिला इससे परेशान है कि महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। जब गैस का दाम 400 था तो लोग उसको सर पर उठाकर घूम रहे थे, आज 1200 है तो फिर कोई बोलने वाला नहीं है क्योंकि सबको डर है कि बीजेपी के खिलाफ हमें नहीं बोलना है। और मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल हमें सोचना चाहिए, और अब डरने से हमारा भविष्य खराब होगा, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। इसलिए हमें अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अब हमें आगे आना चाहिए। लोग मीडिया से डरते हैं कि मीडिया में कैसे बोल सकते हैं हम लोग कोई भी बात। अभी मैं नॉर्मल लोगों से भी, मतलब नॉर्मली बात भी करती हूँ हम लोग, तो ये सुनते हैं कि अरे मीडिया में ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम लोग, बीजेपी के लिए नहीं बोलना है, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना है, मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलना है। पर मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से अब हमें हटना चाहिए, और इसके लिए कांग्रेस को वोट अगर करेंगे तो हम आज़ादी के साथ जी पाएंगे, और ये जो गुलामी अभी मीडिया की गुलामी हो गई है उससे मैं पर्सनली निजात पाना चाहती हूँ। क्योंकि जैसा कि मेरे पति ने अभी बताया कि हमारे यहाँ जब आईटी रेड पड़ी थी तो लोग हमें फ़ोन कर रहे थे कि बीजेपी के लिए कुछ मत बोलो, बीजेपी के लिए कुछ मत बोलो। क्यों नहीं, जब जिसकी वजह से मेरे यहाँ रेड पड़ी है, जो कि मेरा कुछ लेना देना नहीं था उस रेड से, और सिर्फ मेरे पति अगर अपने सरकार को बचाने का काम किए उसकी वजह से रेड पड़ गया तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। कोई भी नहीं फिर आगे आएगा, सच्चाई के लिए कभी कोई आगे नहीं आएगा। जिस तरह से रेड की भी बातें सामने आई थी, अभी वो रेड वाली बात भी उठाकर लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ, बहुत तरह के विरोधाभास भी हुए हैं, आपके खुद पार्टी में भी विरोधाभास होने शुरू हो गए हैं, कैसे साधेंगे उसको आप? देखिए, रेड में जैसा कि आपको मेरे पति ने बताया है कि नॉमिनेशन में हम लोग जरूर डालेंगे कि हमारे यहाँ से, आपको पता चला होगा कि मेरा 70,000, मेरे हस्बैंड का 20,000, हम लोग दोनों का मिला के सिर्फ 90,000 था, नहीं था ठीक है। और हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा एक्सेस कुछ भी नहीं था। रेड करने के लिए 3 दिन तक उन लोगों ने वहाँ पे डेरा डाला, हर घर में डेरा डाला, मेरे हर एक घर में, मेरे हर एक जानने वालों के पास वो लोग पहुँचे, हर एक लोगों से पूछने का काम किए। पर हमारे साथियों ने, बेरमो के साथियों ने उस दिन भी ये बात किया, उस टाइम डुल्लू महतो जी मेरे विरोध में नहीं खड़े थे, लेकिन उस दिन भी मेरे लोग ने ये बोलने का काम किया, मेरे बेरमो की जनता ने उनको बताया कि आप यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जाएंगे तो उन एक डुल्लू महतो जी करके हैं, उनके यहाँ सारा पैसा पड़ा हुआ है, उनसे ले लीजिएगा। तो हमारे यहाँ कोई भी, किसी भी इंसान, उन्होंने एक भी हमसे जुड़े हुए इंसान को नहीं छोड़ा। तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई जगह होता है, ज़मीन तक तोड़ने की कोशिश की तो हम लोगों ने बोला आपको जो करना है कर सकते हैं। अच्छा, पार्टी में जो भीतरघात हो रहे हैं, जो विरोधाभास हो रहे हैं, उसको कैसे साधने का प्लान है? देखिए, धीरे धीरे सब लोग, अभी तो 2 दिन हुआ ही है, धीरे धीरे सब लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के आलाकमान ने जिसे चुना है वो सही कैंडिडेट है, वो हमें जिताने का काम करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि पहले तो विरोध तो होता ही हर चीज़ में, घर में भी हर चीज़ का विरोध होता है, बाहर भी हर चीज़ का विरोध होता है। चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। हाँ, बाद में तो चीज़ें सामान्य होनी है क्योंकि घर है, घर में तो वापस लौट के आना ही है। उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, तो वो लोग ज़रूर हमारा साथ। एक सवाल और है, चूँकि हम लोग पौराणिक कथाओं में पढ़े हैं धर्म पत्नी, लेकिन अभी लगता है धर्मपति के रूप में आपके पति अनूप सिंह जी, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे पति के रूप में अनूप सिंह जी मिले, और जिन्होंने मुझ पे इतना विश्वास किया कि मैं ये इलेक्शन लड़के डुल्लू महतो जी के खिलाफ लड़के कांग्रेस पार्टी को ये झोली में डालूंगी। उनका ये दृढ़ निश्चय है, उन्होंने पहले दिन से बोला है कि अगर ये तुम इलेक्शन लड़ोगी तो ये जीत ही होगी। यहाँ पर कुछ रहने की भी बातें आ रही थी, आपके शिफ्टिंग की बातें आ रही थी, इसको लेकर किस प्रकार के प्लान? हाँ, जामाडोबा में हमारा कार्यालय भी बन रहा है, और रहने के लिए कार्यालय तो था ही पहले से, इन तक का जैसे मेरे हस्बैंड
मेरे ससुर जी ने उसका वो किया था, तो हस्बैंड आते जाते रहते हैं, तो उसमें हमने कार्यालय बनाया था और वहीं पे रहने का क्या लगता है कम समय में सब चीज़ हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल, आप अगर साथ देंगे आपके माध्यम से तो बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि ये मुझे बहुत उत्साहित करता है। एक नहीं, 100-100 फोन आ रहे हैं, लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि मतलब हमें एक काबिल कैंडिडेट मिल गया है, और इसके लिए मैं आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरी आवाज़ को आप सब एक एक लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये अनुपमा सिंह थी, कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी, धनबाद से उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई है। इनका स्पष्ट कहना है कि यहाँ की व्यवस्थाएं और जो प्रत्याशी हैं उनकी प्रवृत्ति के खिलाफ लड़ रही है, किसी व्यक्ति विशेष से इनकी लड़ाई नहीं है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे, और इनका एक ही प्लान रहेगा कि किसी भी तरह से धनबाद लोकसभा की सीट पर जीत हासिल करना और महिलाओं के सम्मान और विकास के लिए कार्य करना। बहरहाल हम इससे तमाम जुड़ी खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन लोकतंत्र के पर्व में अपनी भूमिका निभाएं और लोकतंत्र के पर्व के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, चूंकि आपका एक वोट से देश की विकास और समृद्धि में आपकी भागीदारी बनेगी। हम इससे जुड़े तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ मैं धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।